आप भी बात बात पर गालियां देते हो, फिर तो आपकी बॉडी के साथ कुछ ऐसे हो रहा है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और क्या आपको पता है, एक रैपर है जिसका माथा कुछ ऐसे दिखता है। और क्या आप जानते हैं, इंडिया में एक ऐसी जगह है जहाँ फ्री में गोल्ड मिलता है। जी हाँ, अब ये जगह कौन सी है ये वही जान पाएगा जो इस वीडियो को एंड तक देखेगा। नंबर 7, मूवी से इंस्पायर होके लोग क्या कुछ नहीं करते, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये अमेरिकन रैपर। ये भाई साहब एवेंजर्स के विजन से इतना इंस्पायर हो गए थे कि उन्होंने अपने माथे पर ऑपरेशन करके ये डायमंड लगा दिया। और ये कोई ऐसा वैसा डायमंड नहीं है, ये है पूरे 175 करोड़ रुपए का डायमंड। इतना भी इंस्पायर नहीं होना था, अच्छा हुआ आयरन मैन से इंस्पायर नहीं हुआ, नहीं तो। और जैसे ही भाई साहब विजन से इंस्पायर हुए थे, वैसे ही उनके फैंस थैनोस से इंस्पायर हुए थे, तभी तो इनके माथे का हीरा लेके भाग गए। ये हादसा हुआ था एक कॉन्सर्ट के बीच में, जहां लोगों ने भीड़ का फायदा उठा के उनका ये हीरा चुरा लिया था। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि थोड़े दिनों के बाद इनका हीरा मिल गया था। इसको खुजली बुजली नहीं होती है क्या? नंबर 6, क्या आप या आपका दोस्त बहुत ज्यादा गालियां देता है? तो मुबारक हो, आप लंबी उम्र जीने वाले हो। जी हाँ, एक रिसर्च से ये पता चला है कि अगर आप ज्यादा गालियां देते हो तो आप ऑन एन एवरेज बाकी लोगों से ज्यादा जी पाते हो, क्योंकि गालियां देने से हमारा फ्रस्ट्रेशन बाहर आ जाता है और फिर हमारा मन शांत रहता है। यू बास्टर्ड, साले सुअर की औलाद। पता नहीं ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिसने इस पर रिसर्च किया था। खैर छोड़ो, अगर ऐसा है तो ये भाई साहब तो अमर ही हो जाएंगे। नंबर 5, अपने सलमान भाई ने हमारी प्यारी कटरीना को 3 करोड़ की गाड़ी दी है। कितने प्यारे हैं ना सलमान भाई, और लोग खामखा ऐसे गेम्स बनाकर उनका नाम बदनाम कर रहे हैं। जैसे कि एक आदमी ने सलमान भाई नाम की एक गेम बनाई थी, जहां सलमान भाई का कैरेक्टर हिरन के पीछे उसे मारने के लिए भागता है। लेकिन ये सुनकर सलमान भाई का दिमाग हट गया था और उन्होंने कहा, व्यक्तिगत दुश्मनी है, बदला तो हम लेंगे ही। और तुरंत सलमान भाई ने इस गेम पर केस फाइल कर दी और इसे बैन कर दिया। क्या आपने ये गेम खेला है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और ये वीडियो इतना शेयर करना कि सलमान भाई भी इस वीडियो को देखे। देखते हमारी ऑडियंस में कितनी ताकत है। नंबर 4, दोस्तों क्या आपको भी फ्री में सोना चाहिए? सोना, वो भी फ्री में? तो तुरंत सामान मान लो और चलो मेरे साथ झारखंड, क्योंकि झारखंड में एक ऐसी नदी है जिसके पानी में सोना बहता है, और इस नदी का नाम है रत्नगर्भा नदी। इस नदी के पानी में छोटे छोटे सोने के कण मिलते हैं। अगर आप यहाँ महीने भर भी मेहनत कर लो ना, तो ढेर सारा सोना उठाकर घर ले जाओगे। यहाँ के लोकल लोग इस नदी से सोना जमा करने का काम करते हैं। लेकिन इस पानी में सोना कहाँ से आता है, ये आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। सोच रहे हो अपने गोल्ड प्ले बटन का गोल्ड वहाँ से लेके आओ। नंबर 3, बहुत से क्रिमिनल्स काफी खूंखार और खतरनाक होते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन ये खतरा किस हद तक जा सकता है ये अब सुनना। एक जेल के 2 कैदियों ने चाकू का इस्तेमाल करके पुलिस ऑफिसर पर ही अटैक कर दिया था, और उन्होंने जो मांगा वो सुनकर पुलिस भी चौंक गए थे। उन्होंने क्या मांगा था पता है? 20 पिज्जा। जी हाँ, उन्होंने 20 पिज्जा की डिमांड की, और जब उन्हें पिज्जा मिल गया तो उन्होंने उन पुलिस ऑफिसर्स को छोड़ दिया और चुपचाप अपने जेल में चले गए। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नंबर 2, चलो बताओ ये क्या है? ऑब्वियसली स्नेल है, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि ये स्नेल टाइगर, यहाँ तक कि हाथी के मुकाबले भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अरे सच्ची, स्ट्रॉन्ग यानी अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपनी दांतों की मजबूती से। स्नेल के दांत दुनिया के सबसे हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, और तो और इनका मुंह इतना सा होते हुए भी स्नेल्स के 20,000 दांत होते हैं। यहाँ 32 ठीक से संभाले नहीं जा रहे और इनके 20,000 है। नंबर 1, आजकल के बॉयफ्रेंड्स अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इस आदमी को ही देख लो, इसने अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने से पहले 9,999 रोजेस का एक ड्रेस बनवाया था। अब पूछो 10,000 पूरे क्यों नहीं किए? अरे एक रोज उसे प्रपोज करने के लिए देना था ना, क्या हो अगर वो फिर भी ना बोल दे? आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और हाँ, ये वीडियो सलमान भाई तक पहुंचाना है, याद है ना? चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय। मल दाखो कट्टर कर, ये हादसा हो लो चल रहेगा जरा, जहाँ लोगों ने गर्दी का फायदा उठा के भीड़ हे मी अशी नॉर्मलीच बोलते, मी एक्टिंग करतच नाही हूँ, आणि इकडे बघ, इसको खुजली बुजली नहीं होती।